फ्रेंड्स ये है स्टार्टर लॉकआउट रिले, स्टार्टर लॉकआउट रिले। इसमें चार पिन होता है, ये हो गया हमारा चार पिन, ये पिन नंबर 30, 86, 85, 87। ओके फ्रेंड्स, ये रिले का इनपुट पिन होता है, ये होता है आउटपुट पिन, और ये है क्वाइल का, दोनों वायर क्वाइल का होता है, यहाँ पे क्वाइल। फ्रेंड्स अगर आप रिले के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने चारों पिन में कनेक्शन करके दिखाया है कि ये जो क्वाइल है, यहाँ पे क्वाइल है जो, वो कैसे मैग्नेट उत्पन्न कर रहा है और इस पिन को अपने तरफ खींच रहा है। ये जब खींचता है अपने तरफ तो इसको इसमें कनेक्ट हो जाता है और ये जो करंट है वो यहाँ से निकलना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज मैंने वो कवर हटाकर, रिले के ऊपर जो कवर होता है उसको हटाकर मैंने दिखाया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया स्टार्टर लॉकआउट और ये हो गया न्यूट्रल रिले, ये हो गया न्यूट्रल रिले। इसमें भी चार पिन होता है और ये है ईसीएम का कनेक्टर, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, 6, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 57। ये जो है ये सब स्टार्टर लॉकआउट के लिए है और डायरेक्ट जो बैटरी से कनेक्शन, जैसे ये हो गया हमारा बैटरी, दो बैटरी हो गया, निगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, निगेटिव और पॉजिटिव। सबसे पहले ये 24 वोल्ट हो गया हमारा और ये जो दोनों वायर है, ये जो ग्राउंड का वायर है वो डायरेक्ट गया है स्टार्टर, सॉरी ईसीएम के कनेक्टर में, पिन नंबर 6, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 2 में डायरेक्ट बैटरी का ग्राउंड गया है, और पॉजिटिव जो है वो भी गया है डायरेक्ट बैटरी में, लेकिन एक फ्यूज लेकर, ये हो गया हमारा 30 एम्पियर का फ्यूज, फ्यूज लेकर पिन नंबर 5, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 1 में गया है। यहाँ पे तीन डायरेक्ट बैटरी से मेन है और यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी से ग्राउंड है, और जो कनेक्शन है ग्राउंड का वो है डायरेक्ट यहाँ बैटरी से लिया है, यहाँ गया है, और एक बैटरी कॉटआउट स्विच है, वो कॉटआउट स्विच होकर डायरेक्ट स्टार्टर मोटर में और फिर वहाँ से और भी जगह गया है। ये हो गया वो कनेक्शन और ये हो गया ईसीएम के, ये डायरेक्ट पॉजिटिव मेन है तीनों और ये है डायरेक्ट बैटरी का ग्राउंड। फ्रेंड्स ये 9 नंबर पिन है वो डायरेक्ट आता है 86 में, स्टार्टर लॉकआउट रिले के 86 में डायरेक्ट ईसीएम करंट देता है और 56 से ग्राउंड आता है 85 में। फ्रेंड्स जो स्टार्टर लॉकआउट का 30 पिन है इनपुट, वो न्यूट्रल रिले से होकर आता है। अगर हमारा न्यूट्रल रिले काम नहीं करेगा, न्यूट्रल रिले का कोई भी वायर अगर डिस्टर्ब होगा तो स्टार्टर लॉकआउट में करंट नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूट्रल रिले ही काम करने से स्टार्टर लॉकआउट में यहाँ करंट आता है 30 में, तब जाकर ये 30 जो है 87 को करंट देगा। अगर ये हमारा रिले काम भी करेगा, अगर यहाँ करंट नहीं आएगा तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा, क्योंकि यही पिन इसको करंट देता है। तो फ्रेंड्स अगर आप न्यूट्रल रिले के बारे में जानना चाहते हैं और उसके कनेक्शन के बारे में, तो उसका भी वीडियो है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ देख ले ताकि ये दोनों चीज क्लियर हो जाए, न्यूट्रल रिले और स्टार्टर लॉकआउट के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो 87 है वो डायरेक्ट गया है स्टार्टर मोटर में, स्टार्टर मोटर के सोलेनाइड स्विच में। सोलेनाइड स्विच पे एक स्विच लगा हुआ है जिसको 4ST रिले बोला जाता है या 4ST स्विच, उसमें गया है और फिर वहां से स्टार्टर मोटर में गया है। फ्रेंड्स इसको स्टार्टर लॉकआउट रिले इसलिए बोला जाता है कि कोई भी गाड़ी हो BS3 BS4 ओल्ड मॉडल जिसमें न्यूट्रल रिले और स्टार्टर लॉकआउट रिले नहीं है, उसमें क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब हम स्टार्ट कर देंगे उसके बावजूद अगर हम सेल्फ मार रहे हैं तो हमारा स्टार्टर घूमेगा फ्लाईव्हील के साथ, लेकिन इसमें स्टार्ट हो जाने के बाद से हम सेल्फ अगर मारे भी तो सेल्फ काम नहीं करेगा, क्योंकि
स्टार्टर लॉकआउट काम नहीं करेगा, स्टार्टर लॉकआउट काम करने से ही हमारा स्टार्टर में करंट जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टर लॉकआउट काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट आता है चाबी ऑन करने के बाद। जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे 9 नंबर जो पिन है वो 86 में करंट दे देगा, यहाँ से ग्राउंड आ जाएगा। ओके, ये पहले ही काम कर देता है और इस पिन को टच कर देता है। अब हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ दोनों करंट आता है और यहाँ जो है स्विच तो अभी दिया नहीं है कोई गाड़ी में, लेकिन एक न्यूट्रल स्विच रहना चाहिए। डायरेक्ट करके जो निगेटिव है वो डायरेक्ट दे दिया है पिन नंबर 85 में, और 86 या 30 में करंट आता है और यहाँ से यहाँ करंट आता है और फिर ये दे देता है 30 में। ओके, तो यहाँ करंट आ जाएगा स्टार्ट गाड़ी में, लेकिन स्टार्ट करने जैसे हम स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ करंट नहीं आएगा क्योंकि ईसीएम हमारा ये वायर में करंट नहीं देता है स्टार्ट होने के बाद। ये सिर्फ देगा चाबी ऑन किए यहाँ पे करंट आ गया। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जब तक स्टार्टिंग मूव नहीं ले रहा है तब तक, जैसे ही हमारा इंजन स्टार्टिंग मूव ले लिया, स्टार्ट होने पे आ गया, यहाँ करंट कट हो जाता है, यहाँ करंट कट हो जाता है और फिर हमारा स्टार्टर मोटर में करंट नहीं जाता है स्टार्ट होने के बाद। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको स्टार्टर लॉकआउट रिले बोला जाता है।